हाय, आपने वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन रेशन कार्ड ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे स्कीम की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करेंगे और कहाँ से कर पाएंगे, तो देखते रहिए। स्कीम के बारे में बात करें तो AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने प्लान किया है एक नया प्रोग्राम जिसका नाम है वन स्टूडेंट वन लैपटॉप। इसके तहत लेस प्रिविलेज स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप देंगे पढ़ाई में हेल्प करने के लिए, स्पेशली डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। वन स्टूडेंट वन लैपटॉप ये स्टूडेंट डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आता है। एलिजिबिलिटी के बात करें तो कौन कौन ये योजना का लाभ उठा पाएगा? नंबर वन, जो स्टूडेंट इंडिया के सिटीजन है या इंडिया में रहते हैं। नंबर टू, स्टूडेंट के फैमिली इनकम गवर्नमेंट के लिमिट के अंदर है। नंबर थ्री, AICTE अप्रूवल लेना पड़ेगा। नंबर फोर, जो स्टूडेंट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री कर रहे हैं या इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी या आर्किटेक्चर जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाई कर रहे हैं, वो स्टूडेंट एलिजिबल है वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना 2024 के लिए। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट के पर्सनल मोबाइल नंबर के साथ पर्सनल ईमेल आईडी, नंबर टू डोमिसाइल सर्टिफिकेट या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट चाहिए, पर्सनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए प्रूफ के लिए सही में डिग्री या प्रेस्क्राइब्ड सब्जेक्ट के स्टडीज कर पा रहे हैं, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स के आधार कार्ड भी चाहिए होगा, इनकम सर्टिफिकेट के साथ बैंक अकाउंट, पासबुक और कास्ट सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्टर करने के लिए स्टूडेंट को AICTE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मेन पेज पे क्लिक हेयर टू एक्सप्लोर पे क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद लॉगिन करने के लिए वो न्यू टैब अपीयर होगा, वहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स डिटेल डाल के फॉर्म फिल करके रजिस्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप पे स्टूडेंट्स को फोटोग्राफ और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। एक बार सक्सेसफुली रजिस्टर करने के बाद स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन वेरीफाई किया जाएगा अथॉरिटीज के द्वारा। स्टूडेंट्स अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के अपना एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में जान पाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसके लिए थोड़ा और टाइम लग सकता है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो आपका क्या राय है, कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।